माता महागौरी जी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती जी नहीं आती तो पार्वती जी को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पार्वती जी को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है, उनकी छटा चांदनी के समान श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ता है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौरी वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा के अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है और देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और बल की हो जाती हैं। तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखाई देती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्व मंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके सरले त्रबंके गौरी नारायणे नमस्तु। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा, जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतृप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहाँ देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। दोस्तों, ऐसी और ही दिलचस्प कहानी सुनने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।